हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लोनल प्रोपगेशन या फिर माइक्रो प्रोपगेशन, इसका दूसरा नाम है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो आगे जाके आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाती हूँ। प्लीज़ ये जो वॉइस है इसको एक्सक्यूज़ करना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्लोनल प्रोपगेशन या फिर माइक्रो प्रोपगेशन। क्लोनल प्रोपगेशन नाम से ही हम पहचान पा रहे हैं, क्लोन मतलब आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल। बहुत सारी कॉपीज बनती हैं प्लांट्स की, बहुत सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। इसमें क्या होगा, हम कोई भी पार्ट ले लेंगे, वो हम स्टेम से ले सकते हैं या फिर रूट से ले सकते हैं। हम कोई भी पार्ट ले लेंगे और उस पार्ट को कल्चर मीडियम की हेल्प से नए प्लांट्स की ग्रोथ करा देंगे। ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर की, जिसमें हम एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती हैं उनको बहुत सारे ऐसे प्लांट्स बनाते हैं जो कि पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल होती है, वो भी जेनेटिकली। सो अब हम देखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनल प्रोपगेशन या फिर माइक्रो प्रोपगेशन जो है वो पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेकंड पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन सेम इंडिविजुअल प्लांट। अब हम मदर प्लांट से एक कोई भी उसका पार्ट ले लेंगे, वो स्टेम हो सकती है, स्टेम से उसकी लीव्स हो सकती है, टिप हो सकती है, या फिर रूट में से हम रूट सिस्टम से भी ले सकते हैं। एक छोटा पार्ट ले लेंगे, उसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। तो उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम नए प्लांट की ग्रोथ कर लेंगे कल्चर मीडिया की हेल्प से। तो मल्टीप्लीकेशन सेम इंडिविजुअल प्लांट। थर्ड पॉइंट है जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट फॉर्म। जैसे मैंने बताया, एज इट इज देयर पेरेंटल, एकदम एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं, एग्जैक्ट प्लांट की ग्रोथ होती है, जेनेटिकल सेम होते हैं मदर प्लांट्स की तरह। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है इसमें वो है रैपिड प्रोसेस। क्लोनल प्रोपेगेशन या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो एक रैपिड प्रोसेस है, बहुत जल्दी प्रोसेस है, बहुत तेज प्रोसेस है। और अगर तेज प्रोसेस है तो टाइम भी कम लेगी, मतलब शॉर्ट टाइम। एडेप्टेड फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स लाइक एप्पल, पियर एक्सेट्रा। जो मैंने जैसे कि बताया, आपको एंडेंजर्ड स्पीसीज है एप्पल की, ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, तो हम इस तरीके से मदर प्लांट की हेल्प से, इन विट्रो कल्चर की मदद से हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर का यही एक फायदा होता है। आजकल आपने देखा होगा बायोटेक्नोलॉजी जो है कितनी ग्रो कर रही है, कितना स्कोप हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। जो चीज़ हमको नेचुरली नहीं मिल पा रही है वो हम आर्टिफिशियली ग्रो कर पा रहे हैं। सो ये था क्लोनल प्रोपगेशन। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो और आप इसके बारे में लिख सकें और अच्छे से समझ सकें। तो आगे बढ़ने से पहले कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आई नो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं कि इसके डायग्राम में है क्या। अब ये हमने मदर प्लांट ले लिया, ठीक है, ये हमारा मदर प्लांट है जिसकी हमें आइडेंटिकल कॉपीज बनानी है, वो भी जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। ये मदर प्लांट ले लिया, मैंने आपको अभी बताया कि आप इसका कोई भी पार्ट ले सकते हैं, आप इसका रूट सिस्टम ले सकते हैं या फिर शूट सिस्टम ले सकते हैं, आप इसकी लीव्स का पार्ट भी ले सकते हैं या फिर इसकी टिप का पार्ट भी ले सकते हैं, कोई भी पार्ट ले लिया, ठीक है। हमने उसको टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर लिया, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। और इसका मान लो हमने लीव लिया तो हम उसको क्या कहेंगे, हम एक्स प्लांट कहेंगे। पूरे प्लांट में से हम जब कोई प्लांट की सेल या टिश्यू ले लेते हैं, हमने मान लो लीव की टिश्यू या फिर सेल कह दो वो ले लिया, इसको हमने कल्चर मीडिया में यहाँ पर सेट कर दिया और साथ ही साथ हमने कॉटन प्लग लगा दी। कॉटन प्लग का क्या काम होता है, ये माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इनकी एंट्री को रोकता है। कॉटन का फायदा क्या होगा, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी
वो हमें मिलती रहेगी, साथ ही साथ जो माइक्रोब्स की एंट्री है उसको रोकेगी। सो हमने यहाँ पे एक्सप्लांट को सेट कर दिया, ये हमारा कल्चर मीडिया हो गया। कल्चर मीडिया में हमने इसको एक्सप्लांट को सेट कर दिया, कॉटन प्लग लगा दिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी टिश्यू कल्चर में, सेल डिवीजन होगा। ये जो हमारा एक्सप्लांट है इसका सेल डिवीजन होगा, फिर क्या होगा कैलस का फॉर्मेशन। अब बात आती है कि कैलस क्या है, व्हाट इज कैलस। कैलस इज ए अनडिफरेंशिएटेड मास। जब सेल डिवीजन होगा तो बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और उन सेल्स को जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं उसको कहते हैं कैलस। नेक्स्ट होगा फिर इसमें रूट जनरेशन होगी। रूट जनरेशन कैसे होगी, आपने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। हॉर्मोन्स साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सब हमारे प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं, इन सब के फंक्शंस होते हैं। जैसे हमने ये कल्चर मीडिया ले लिया, ठीक है, या फिर एमएस मीडिया कह दीजिए, मुरासीद एंड कुक ने इसका डिस्कवर किया था इसलिए एमएस मीडिया इसका नाम डल गया। फिर इसमें क्या होगा, हमारा ऑक्सिन तो प्रेजेंट होगा ही, साथ ही साथ इसमें जो साइटोकाइनिन की है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी हमारे एमएस मीडियम में। उससे क्या होगा, साइटोकाइनिन हमारी शूट जनरेशन के ऊपर, रीजनरेशन के ऊपर काम करता है, उसकी ग्रोथ में काम करता है। शूट की और शूट को ग्रो करने के लिए साइटोकाइनिन बेस्ट होता है, तो इसमें साइटोकाइनिन का अमाउंट जो होगा वो ज्यादा होगा, जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू ऑक्सिन। नेक्स्ट क्या होगा फिर, शूट मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर शूट का फॉर्मेशन हुआ, शूट का रिजनरेशन हुआ, तो अब हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है, ऐसी प्लांट की बहुत सारी कॉपीज बनानी है। तो क्या होगा, इसमें शूट का मल्टीप्लीकेशन होगा, एज टाइम बीतता जाएगा शूट की मल्टीप्लीकेशन होती चली जाएगी। फिर क्या होगा, जिस तरीके से शूट का रिजनरेशन हुआ था इसी तरीके से फिर रूट का रिजनरेशन भी होगा, क्योंकि प्लांट कब पूरा होता है, जब उसका रूट सिस्टम हो और शूट सिस्टम हो, तो फिर रूट जनरेशन रीजनरेशन होगा। अब जब हमने शूट का रीजनरेशन कराया था तब साइटोकाइनिन की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए थी और ऑक्सिन की नॉर्मल थोड़ी कम होनी चाहिए थी। इसी तरीके से रूट जनरेशन में ऑक्सिन की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है एज कंपैरिजन टू साइटोकाइनिन। प्रेजेंट दोनों होते हैं, बस इनकी क्वांटिटी का फर्क हो जाता है। फिर इसमें हम जब ऑक्सिन मिलाएंगे तो रूट जनरेशन होगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर इसमें एक्स विट्रो रूटिंग या इन विट्रो रूटिंग। इन विट्रो रूटिंग जब हम किसी लैबोरेटरी में मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिनरल चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर आप किसी लैब में प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए और मिनरल्स चाहिए, क्योंकि आप सोइल में तो ग्रो कर नहीं रहे हैं। तो फिर क्या होगा, इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल भी होता है। कोकोपीट क्या होता है, जो हमारे कोकोनट का छिलका होता है ना, उस तरीके से दरदरा टाइप का सब्सटेंस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, जब ये इसको थोड़ा सा यू नो मिनरल्स कम प्रोवाइड कराएंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे पॉली बैग में, जो ये हमारे प्लांटलेट्स ग्रो हुए हैं इन सबको सेपरेट कर करके एक छोटे छोटे पॉली बैग्स में, आपने नर्सरी में देखा होगा, छोटे छोटे पॉली बैग्स में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हम इन विट्रो कल्चर में लैबोरेटरी में उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिनरल्स, टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं। पर जरूरी नहीं होता कि बाहर जाके उसको वही मिनरल क्वांटिटी की, उसी क्वांटिटी का मिनरल मिले या उसी क्वांटिटी का उसको एटमोसफियर मिले, टेम्परेचर मिले, पीएच मिले। तो क्या करते हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा मिनरल कम देना शुरू कर दिया, थोड़ा उसका टेम्परेचर का ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, ताकि जो हमारा एनवायरमेंट है उसकी जैसे उसको कंडीशन मिलनी शुरू हो। अगर हम उसको पहले प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं और फिर एनवायरमेंट में जाकर लगा देंगे और वो न्यूट्रिशन वहाँ बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो फिर एकदम से प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसलिए उसको या तो ग्रीन हाउस में करते हैं उसको, या फिर हम उसको प्रॉपर मतलब थोड़ा थोड़ा कम उसको न्यूट्रिशन देना शुरू करते हैं।
फिर बाद में जाके इस पॉलीपैक को ट्रांसफर करने के बाद, फिर जब ये होता है कि हाँ अब ये कैपेबल है एनवायरमेंट को टॉलरेट करने के लिए, तो फिर जाकर उसको एनवायरमेंट में कहीं खेत में जाकर किसी ओपन फील्ड में जाकर लगा देते हैं। ये है क्लोनल प्रोपेगेशन या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये एक एप्लीकेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर की, एंडेंजर्ड स्पीसीज में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमको पता है एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, जो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाली होती है, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली होती है, उनको कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो उनको बचाने के लिए क्या करते हैं, मदर प्लांट की हेल्प से बहुत सारी जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स की ग्रोथ कराते हैं, छोटे छोटे प्लांट्सलेट्स बनते हैं, उनको सेपरेट करके उनको फिर पॉलीबैग में ट्रांसफ़र करके फिर एनवायरनमेंट में लगा देते हैं, ताकि वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में ना आए, वो एक्सटिंक्ट ना हो पाए। एग्जाम्पल जिस तरीके से हम वाइट टाइगर भी ले सकते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले जो है ब्रीड है। सो ये था हमारा क्लोनल प्रोपेगेशन। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है और बहुत इजी लैंग्वेज में बनाई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं हमारी MSc की, BSc की, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। एंड थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई टॉपिक चाहिए होता हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, कोई डाउट होगा उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो ये था।